आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि बुढ़ाना पुलिस द्वारा बिराल के जंगल में टिकरी की तरफ से आने वाले रास्ते पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस चेकिंग अभियान के दौरान सामने की तरफ से 3 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया गया, जिस कारण पुलिस के जवान बाल बाल बचे। अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान शुभम पुत्र सेवाराम निवासी टिकरी थाना दोवट जिला बागपत व कमल पुत्र महिपाल निवासी सगवा थाना छपरौली जनपद बागपत के रूप में हुई। वहीं फरार अभियुक्त गौरी निवासी टिकरी थाना दोवट जिला बागपत भागने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का काफी पुराना इतिहास है, जिनके द्वारा बागपत जिले में काफी घटनाएं की गई हैं। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा 315 बोर 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट। कुछ बागपत के बदमाश थे जो संदिग्ध अवस्था में देखे गए थे, पुलिस द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और 1 बदमाश फरार हो गया है। ये जनपद बागपत के रहने वाले हैं, बहुत ही शातिर बदमाश है। ये पहले मर्डर भी कर चुके हैं, लूट भी कर चुके हैं और ये यहाँ पर हमारे यहाँ किसी लूट की फिराक में थे और कोई इन्फॉर्मेशन के पास थी, जो कैश लेकर आने जाने वाला था उसमें लूट की फिराक में थे। ये इन शातिर बदमाशों के पकड़े जाने, इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए, 1 मोटरसाइकिल भी संदिग्ध अवस्था की बरामद हुई है और इनके पकड़े जाने निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना टली है। किसी रजिस्टर्ड गैंग से संबंध है इनका? देखिए, ये बागपत के रहने वाले हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल पता किया जा रहा है और बाकी जानकारी बाद में दी जाए।